नमस्कार, आप देख रहे हैं कबड्डी अड्डा। मैं हूं अंकित, मेरे साथ हिमांशु मौजूद हैं। और एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की शुरुआत हो चुकी है। भारत ने कमाल का प्रदर्शन किया अपने ओपनिंग एनकाउंटर में। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे, कुछ इंटरेक्टिव सवाल जवाब होंगे, जहां पर हम एशियन कबड्डी चैंपियनशिप से जुड़े, भारत से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आपको कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो चैनल कबड्डी अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। हिमांशु मेरे साथ मौजूद है, मैं हूं अंकित। तो चलते हैं, फटाफट शुरू करते हैं इंटरेक्टिव क्विज वाला जो सेशन है। पहला क्वेश्चन हिमांशु, मैं आपसे जो पूछना चाहूंगा, आप ये मुझे बताइए कि पहला एडिशन जो था एशियन कबड्डी चैंपियनशिप का, कब हुआ था, किसने जीता था और फाइनलिस्ट कौन सी टीमें थी? मैं बात करूं तो 1980 में पहला एडिशन खेला गया था, जिसमें भारत ने बांग्लादेश को हराया था फाइनल में, और भारत ने वो टूर्नामेंट जीता था। चलो, आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि जो लास्ट एडिशन खेला गया था वो कब खेला गया था? देखिए बाजो, लास्ट एडिशन जो था वो गुरगान ईरान में खेला गया था। इंडिया ने हराया था आज राइवल पाकिस्तान को और गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। अब आपने मेरे से पूछ लिया लास्ट एडिशन का, तो आप मुझे फ्यू सक्सेसफुल इंडियन कैप्टन का नाम बता दीजिए जिसने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में भारत की कप्तानी करी हुई। अगर हम फ्यू सक्सेसफुल इंडियन कैप्टन की बात करें तो उसमें एक राकेश कुमार आते हैं, अजय ठाकुर आते हैं और अनूप कुमार आते हैं। ये तीन सक्सेसफुल कैप्टन हमारे भारत के रह चुके हैं। इसी से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने भारत पाकिस्तान की राइवलरी की बात की, तो भारत पाकिस्तान की क्रिकेट में जो राइवलरी है, क्या कबड्डी में भी वही राइवलरी देखने को मिलती है? बिल्कुल हिमांशु, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। इंडिया पाकिस्तान की कबड्डी में भी राइवलरी है। हमने पाकिस्तान को दो बार हराया एशियन कबड्डी चैंपियनशिप के फाइनल में, 2005 में और 2017 में, दोनों बार हरा के हमने गोल्ड मेडल जीता है। अब आपने मेरे से पाकिस्तान का सवाल फिर से पूछ लिया, तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्या पाकिस्तान जो पार्टिसिपेट कर रही है एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में? जी, पाकिस्तान इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, और पाकिस्तान के साथ साथ श्रीलंका भी पार्टिसिपेट नहीं कर रही, क्योंकि उनका वीजा का इशू चल रहा था, जिसकी वजह से ये दोनों टीम पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही। आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि जो इस टूर्नामेंट की मोस्ट सक्सेसफुल टीम है वो कौन सी है? देखिए, सबसे सक्सेसफुल टीम ये है जिसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, हमारी इंडिया है, जिसने 7 बार टाइटल उठाया है, 7 बार जो गोल्ड मेडल अपने नाम किया है एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में। चलिए मांझू, आपको तो मैंने ये बता दिया कि मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन सी है कबड्डी की एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में। अब आप मुझे बताइए, क्या इंडिया के अलावा कोई और ऐसी टीम है जिसने इस टाइटल को अपने नाम किया है? बिल्कुल, इंडिया के अलावा एक ऐसी टीम और है जिसने ये टाइटल अपने नाम किया है, वो है ईरान। 2003 में ईरान ने ये टाइटल अपने नाम किया था। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि भारत के कोच और मैनेजर कौन है इस एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में? बिल्कुल हिमांशु, मैं बता देता हूँ अपने व्यूअर्स को, जो कोच हैं वो है संदीप कुमार और अश्विन कुमार, और जो मैनेजर हैं वो है भास्कर एडिचेरी। चलिए मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ, क्योंकि 9वां संस्करण है तो 9 क्वेश्चन की हमने समअप कर रखा था। आखिरी सवाल हिमांशु से जो मैं पूछना चाहूँगा, कौन सी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं इस एशियन कबड्डी चैंपियनशिप? इस बार के एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में 6 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें एक हमारी एक इंडिया है, उसके साथ होस्ट नेशन जो कोरिया आपकी टीम दिखेगी उसमें, साथ में आपकी जापान है, चाइनीज तैपेई है, हांगकांग है और ईरान है। ये 6 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। बिल्कुल, जिस तरह से हिमांशु ने मेरे सवालों का जवाब दिया, मैंने इनके सवालों का जवाब दिया, उम्मीद करता हूँ ये इंटरेक्टिव सेशन आपको पसंद आएगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।